नमस्ते, आई एम मौशमी. वेलकम बैक टू माई चैनल. गुड मॉर्निंग. काफ़ी दिनों से मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट, बहुत सारा क्वेश्चंस, कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ डिबेट्स, बहुत कुछ मेरे सामने आए. क्योंकि मैं जिनके जिसे मानकर ये कर रही हूँ खुद, तो उनके फर्स्टली डॉक्टर रॉय चौधरी को मेरा प्रणाम, उनको मैं प्रणाम करके, क्योंकि मैं उसे गुरु मानती हूँ आज के ज़माने में. तो बहुत सारे सवालात आए हैं तो मैं उसका क्लियर करना चाहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. सवाल फर्स्टली मैं एक छोटी सी सब्जेक्ट क्लियर करने वाली हूँ, फिर मैं आज DIP डाइट का प्लेट नंबर 1 के ऊपर कुछ करना चाहूँगी. मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहूँगी. मैं साइंस का स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और मैंने कुछ बुक्स पढ़े हैं, क्योंकि मैं एक रिसर्च सेंटर में थी जहाँ पे कैंसर वगैरह रिसर्च होता था. मैलिग्नेंसी रिसर्च फाउंडेशन, वो US में है. मैं इंडिया में रहकर कुछ डेटा करके असिस्टेंट के तरह से काम करती थी. तो तब हमने ये देखे, ये कुछ बुक्स हमने यहाँ पे दिखाया है. देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आयुर्वेदा को लेकर कुछ हमने स्टडी किया हुआ था. डॉक्टर भगवान दास, ये मैं इनका बुक्स फॉलो करती थी. ये सब मेरे सब्जेक्ट थे. और जो बंगाली पढ़ सकते हैं वो देखेंगे कि ये देखिए चरक संहिता, मैं इसे पढ़ती थी. और इस तरह के जर्नल्स को भी मैं स्टडी करती थी, क्योंकि ये एक हाउस जर्नल है नोवो केयर का. और न्यूट्रिशन में मुझे हमें न्यूट्रिशन भी पढ़ना पड़ता था, तो मैं इस बुक को फॉलो करती थी. ये थर्ड एडिशन है डॉक्टर सॉरी फोर्थ एडिशन है डॉक्टर PF अंतिया, डॉक्टर फिलिप अब्राहम उनके ये है राइटर है. ऑक्सफोर्ड से ये पब्लिश हुआ है. तो मैं इनका भी गाइडलाइन वगैरह हेल्प लेती थी. तब द ईयर ऑफ 99 to 2001, 3 साल हमने इसके ऊपर हमने काम किए थे. मेरे जॉब वहीं पर था और भी रिसर्च फाउंडेशन में हमने काम किए थे. एनीवेज, तो मेरे नॉलेज जो भी थे, छोटे से नॉलेज एकदम इतनी सी, डॉक्टर रॉय को मैं अप्रिशिएट या एक्सेप्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे साथ उनका जो व्यू है 100 से भी अगर ज़्यादा कोई परसेंटेज होता मैं उसमें मैच हो जाती. तो ओके, तो एक वन पार्ट हो गया. सेकेंडली, जो डिबेट या क्वेश्चंस रहे हैं, डॉक्टर शिवनाथ भंडारी वो कह रहे थे कि अगर आप लोग DIP डाइट कहते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो उत्तराखंड से हैं मिस्टर भंडारी, तो वो कह रहे थे कि जहाँ पे कोविड में लोगों को खाना नहीं मिलता सही तरह से, आप लोग ये सब बोल रहे हो, तो और हमारे उत्तराखंड में फ्रूट्स का बहुत सारा भरमार है लेकिन वेजिटेबल्स का वैरायटी उस तरह से नहीं है जितने फ्रूट्स के मुझे मिलता है. तो ये तो अमीरों की चोचले हैं ये सब फलाना. तो मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि DIP डाइट डॉक्टर रॉय चौधरी किसी अमीरों के तरह कुछ नहीं कहते, बहुत ही सिंपल तरह से कहते हैं. तो उनके बारे में मैं मतलब उनका भी कुछ जवाब मैं देना चाहती हूँ. और भी एक क्वेश्चन रहा था, हर एक का नाम मैं मेंशन कर दूँगी, कि आपने मुझे कहा गया था कि आप प्लेट वन मतलब लंच और डिनर में आप जो वेजिटेबल्स के जो सलाद वगैरह होते हैं उनमें आप टमाटर दे सकते हो, लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग से लेकर 12 तक जब हम फ्रूट्स का एक 4 से 5 तरह के फूड लेके एक डिज़ाइन करते हैं अपना प्लेट का, तो वहाँ पे टमाटर नहीं होनी चाहिए. डॉक्टर रॉय चौधरी ने कहा है कि वो सलाद में आने चाहिए. डॉक्टर रॉय चौधरी जो कहते हैं, मैं उसे सराखों पर रखती हूँ कि सर आप सराखे पे हो, लेकिन टमाटो को लेकर एक आर्गुमेंट सा आया है. तो डिबेट या आर्गुमेंट मेरी इंटेंशन नहीं है. मेरी इंटेंशन है सिर्फ नॉलेज को शेयर करना. मैं बहुत ही सिंपल सा एक लेडी हूँ, तो मेरे जितने नॉलेज हैं मैं खुद मतलब डाइट फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राय चौधरी से मैं बैठी हूँ, बहुत सारा बातें की है, बहुत शेयरिंग की है, ऐसी बात नहीं है. मैंने उनके बारे में पढ़ा,
वीडियोस देखे, खुद फॉलो किया, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हुए। कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हुए वो भी हमने बताया था। तो चलिए मैं आज टोमेटो का क्वेश्चन का क्लियरेंस करती हूँ और डॉक्टर भंडारी का जो सवाल है उनका भी मैं क्लियर करती हूँ। कोई भी रेड या पिंक फूड्स या वेजिटेबल्स में जो होता है एक लाइकोपिन होता है, जो लाइकोपिन है क्या? नेचर का दिया हुआ एक रंग, दिस इज़ अ कलर। हमारा जो रेड ब्लू और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है नेचर का दिया हुआ, उनका एक वरदान है लाइकोपिन, जो रेड कलर में आता है। तो रेड और पिंक में आता है, तो ये दोनों में ही आपको लाइकोपिन मिलेंगे। रेड कलर का जो भी चेरी वगैरह स्ट्रॉबेरी सभी में है, भरमार है। तो अगर नेचर हमें ये कलर देता है, ये एक मतलब जो आपको क्या कहेंगे, जो एंटीऑक्सीडेंट, द टर्म्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट होता है वो एंटी कैंसरस भी है। स्पेशली टोमेटो में जो लाइकोपिन है, ये स्किन में हमारा जो डर्मेटोलॉजी जो टर्म्स है, इसमें मेलानिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ड्यू टू रेड लाइकोपिन। सर ने सवाल किए थे कि आप टोमेटो को प्लेट, जब आप मॉर्निंग में जो प्लेट बनाते हो, जो डिज़ाइन करते हो, आप उसमें नहीं रख सकते। दिस इज़ अ डिबेट। नो सर, नॉट डिबेट, इट इज़ शेयरिंग आर नॉलेज। आप अपने नॉलेज का शेयर करोगे, मैं अपना नॉलेज का शेयर करूँगी। हम डॉक्टर नहीं हैं, मैं तो हूँ ही नहीं, मेरे पास पीएचडी भी नहीं है, मैं पीएचडी नहीं हूँ। तो लेकिन हमारे स्टडी के मुताबिक आप कहीं भी देख लो, टोमेटो एक काइंड ऑफ फ्रूट। हमें हम लोगों को देखिए, हम क्यूलिनरी जो होता है वो एक वेजिटेबल्स है, एक फ्रूट्स हैं। ऐसे हम लोगों को कुछ टर्म्स है, हमने ऑलरेडी एक जगह हमने कहा भी था कि एक स्टैंड पॉइंट है जहाँ पे हम इसे फ्रूट्स की तरह और वेजिटेबल्स की तरह दोनों तरह से इसे ट्रीट कर सकते हैं टोमेटो को। इसमें विटामिन सी है, इसमें लाइकोपिन है, तो इसे हम फ्रूट में डाल सकते हैं अगर हमें डिज़ाइन अलग से करना हो तो। आप डॉक्टर रॉय चौधरी से अगर पूछे वो भी कहेंगे, क्योंकि इस इज़ अ फ्रूट एग्रीगेट्स एंड क्यूलिनरी स्टैंड पॉइंट, तो इसे भी हम रख सकते हैं। आप नेट में कहीं भी देख लो, शायद बुक्स में भी देख लो, आपके मिल जाएंगे। तो ओके, तो ये रहा रेड कलर का टोमेटो का डिबेट जो मैं क्लियर किया है। और ये है डॉक्टर भंडारी का सवाल का जवाब, जो कह रहे थे कि मैम आप ये तो हमारा देश में अभी तो कोविड के लोग को खाना नहीं मिलता। ओके सर, आप यू आर राइट, सही हो, बिल्कुल सही हो। देखिए, जिस सीज़न में जिस तरह का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में आते हैं वो एक्सपेंसिव नहीं होता, पहली बात। डीआईपी डाइट से पहले हम लोग, आप लोग खाना खाते थे, सही बात, तो तब हम लोग उसे कुक करके खाते हैं। अभी हम रॉ फॉर्म में खाते हैं, रॉ फॉर्म में खाते हैं तो हम अमीर या गरीबों की चोंचले की बात नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि देखिए ये जो वेजिटेबल्स है, आपको लगता है कि सलाड में अगर आप डालते हो तो आप ये एक्सपेंसिव हो जाता है, या आपके लिए लगता है कि अमीरों की बात है, नहीं सर, अगर आप सीज़न में लेते हो तो ये अमीरों की बात नहीं है। बेल पेपर या शिमला मिर्च कैप्सिकम, ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता। क्या इससे पहले आप इसे मतलब कुक करके नहीं खाते थे? खाते थे। ये इतना एक्सपेंसिव है करके मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप तो जो कुक करके खाते थे, मानिए हम इन्हें अलग करते हैं, इन्हें हम छोड़ देते हैं, ये गरीबों के लिए छोड़ देते हैं, ओके, अलग किया। क्या आप गाजर नहीं लेते थे? ये क्या बहुत एक्सपेंसिव लगता है आपको? इससे पहले आपने गाजर ले चुके हैं, टोमेटो आप ले चुके हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, अभी तो 20 रुपीज़ किलो में आ रहा है। लेकिन एक बात ये है, दोहराना चाहूँगी कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिया करें, जो आउट ऑफ सीजन हो गया उसका आप सेवन ना करें, उनका यूज़ ना करें। क्या आपने भिंडी कभी नहीं लेते थे? आप अपने भिंडी से अपने प्लेट को डिज़ाइन कीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं भिंडी खा के आपको अभी दिखाऊंगी। खीरे तो बहुत ही कमन है, जुकीनी बहुत ही कमन है, इसका तो मैं छोरी रही हूँ, आप नहीं कह सकते कि इसका बहुत प्राइस है। ये कुंदरी और कुंदली कहा जाता है नॉर्थ बंगाल में, बिहार में, तो इन्हें भी ये खीरे, इसका और खीरे का सेम फैमिली है, मैं दोनों को इसे भी खा के दिखाती हूँ। सर तो ये सब क्या आप पहले नहीं खाते थे? आप तो खाते थे ज़रूर, तो ये एक्सपेंसिव हो गया क्या? मैं आपके सामने सवाल रख रही हूँ मिस्टर भंडारी, क्या ये बहुत ही एक्सपेंसिव है कि इससे पहले हमने इनका सेवन नहीं किया, कुक करके खाना नहीं खाया?
ओके, मैं अभी आपको खा कर दिखाती हूँ। ये खीरे हैं, सिंपल। अगर मैं इसे खाती हूँ, इसका आप देखते हो, आप इनका देखिए, इनसाइड में इसको दिखाती हूँ। ये है किकुम्बर और खीरे, ठीक है। और इनका जो मैं दिखा रही हूँ, इनका भी आप इनसाइड में देखो कि ये दोनों सेम फैमिली है। मैं बहुत क्लोज दिखाना चाहती हूँ इन दोनों का। इनके इनसाइड में देखो आप। इसे अगर आप लंच का प्लेट नंबर वन में दोनों को ही डालते हो, एक तो ये बहुत ही बेनिफिटेड है। ये समर सीजन में इसमें ये वाटरी है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इनको आप सैलन में डालते हो, ब्लैक पेपर देकर, थोड़ा सा ऑनियन डालकर, डॉक्टर रॉय कहते हैं आप चाहो तो थोड़ा सा कोकोनट भी मिला सकते हो, हाँ, आर्टिफिशियली, बट डोंट ऐड सॉल्ट और ऑयल। तो इसे रॉ फॉर्म में आप इसे ले सकते हो। इट्स लाइक किकुम्बर सेम। मैं खा रही हूँ, मैं रोज़ खाती हूँ, क्योंकि क्योंकि ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये सीजनल है। इनका किलो 40 रुपीज़ में आ जाता है। आप नहीं कर सकते कि एक्सपेंसिव है। ओके, नेक्स्ट वन भिंडी। मैं इनका सेवन करती हूँ, अभी इनका सीजन है। मैं इसे भी लेती हूँ। अगर आपका इससे आदत पड़ जाए, इससे ऐसा रॉ लेने का, आप डीआईपी डाइट में, तो आप मतलब क्वीन या किंग बन जाओगे। और आपके कितने सारे प्रॉब्लम जाएंगे, क्या होंगे, ये तो डॉक्टर राय ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, मैं इसे इतना लेती हूँ कि मेरी आदत पड़ गई है ऐसे रॉ लेने की। 4 मंथ्स इज ऑन गोइंग, तो मैं इतनी दिनों से इसका मतलब सेवन कर रही हूँ, करते करते आदत पड़ गई है। जिसके लिए, स्वाद के लिए हम लोग खाते हैं, ये स्वाद के लिए मैं नहीं खाती अभी, स्वास्थ्य के लिए खाती हूँ। पहले मैं स्वाद के लिए खाती थी, डॉक्टर रॉय के एडवाइस के बाद, उनकी इतनी सारी एक्सपेंसिव वैल्यूएबल जो एडवाइस है, उनके बाद मैं एक्सेप्ट कर सकूँ। यहाँ से अगर हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, ये भी कंट्रोल हो जाता है, और ये सब तो नॉर्मल है। ओके, तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और जो भी अगर हम आपको बुरा लगा तो सॉरी। तो जो भी क्लियरेंस है, हमने आपको सॉरी ट्राई किया बताने के लिए। खुश रहिए।